लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने जारी की मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची। इन दिग्गज नेता करेंगे मध्य प्रदेश में प्रचार। दोस्त स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी द्वारा जारी की गई अपनी सूची के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बना समय आज शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस पार्टी के छठवें और सातवें चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इस सूची में मध्य प्रदेश समेत देश भर के कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आइए जान लेते हैं सूची के विषय में। तो आपको सूची स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहले नंबर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रामलाल थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, सुश्री उमा भारती, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी, सुमित्रा महाजन, आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हेमा मालिनी, कैलाश विजयवर्गीय, विनय सहस्रबुद्धे, अनिल जैन, सतपाल महाराज और शाहनवाज हुसैन, प्रभात झा, राकेश सिंह, श्वेतेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया और केशव प्रसाद मुखर्जी और मनोज तिवारी, विक्रम वर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुहास भगत, मनोहर ऊंटवाल, विजय लुनावत और भंसीलाल गुर्जर, विनोद गौटिया और जय भान सिंह पवैया। इन तमाम 40 नामों की सूची जारी की गई है और इन 40 नामों पर उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। दर्शकों, थी कुछ जानकारी जो आपके लिए कराए थे मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 संबंधित कुछ विशेष अपडेट। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में बताएं फिर आज होता है एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।